वेलकम टू हेल्दी हो। आज मैं बात करूंगा कुछ लोकप्रिय होते इलाज जो दिल के लिए लोग अपना रहे हैं। पहला आता है किलेशन थेरेपी और चिलेशन थेरेपी। इसमें बताया जाता है कि आपकी हार्ट की अगर जो नाड़ियां ब्लॉक्ड हैं उसको हम कुछ एक इंजेक्शन्स लगा के उस सारे कैल्शियम या क्लॉट को निकाल देंगे। ये इंजेक्शन पूरी तरह सेफ हैं, सेफ्टी मानी जा सकती है कि उनसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, मगर उनसे कोई फ़ायदा मिलता है ये अभी प्रूवन नहीं है। कोई भी थेरेपी अभी इस तरीके से FDA या इंडिया के DGCI ने अप्रूव नहीं की है। दूसरी विधि है ECCP, जिसमें आपके पैरों के आसपास ब्लड प्रेशर वाले कफ बांध के दिल की साइकिल के अनुसार इस तरीके से इन्फ्लेट या डिफ्लेट किया जाता है कि आपके हार्ट की सप्लाई ब्लड की बढ़ जाए, और ये क्लेम किया जाता है कि इससे आपकी वेसल्स जो पिछली ब्लॉक्ड थी उनमें नेचुरल बाईपास कर दिए गए हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ECCP नाम की जो विधि है इसका यूज़ उन मरीज़ों के लिए किया गया था जिनकी नाड़ियाँ इतनी पतली हैं या इतनी जटिल हैं, इतनी जगह परेशानियाँ जिसका ना तो स्टेंट हो सकता ना बाईपास हो सकता। तो अगर आपके मरीज़ को ये बताया गया है कि आपकी नाड़ियाँ इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं कि इसमें हम बाईपास या स्टेंट नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लिए हम ECCP को अप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे मरीज़ कंटिन्यूस पेन में होते हैं और उनको ये उपचार के लिए बताया जाना चाहिए। मगर ये बताया जाए कि जो आपका आसानी से स्टेंटिंग या बाईपास से इलाज मिल सकता है, जान को बचाया जा सकता है, उनके लिए मरीज़ इस विधि का उपयोग करके अपना समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि ये खतरनाक भी हो सकता है। और हेल्दी जानकारी के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हेल्थी हो।